रुद्रपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मेट्रोपोलिस सोसाइटी में एक महिला ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक बीते दिन अचानक 45 साल की माधुरी सिंह घर में बाहर से कुंडी लगाकर छत पर चली गई। इसके बाद वो सड़क पर पड़ी हुई मिली। दरअसल मूल रूप से नवाबगंज गोंडा निवासी शैलेंद्र सिंह की पत्नी और उनका बेटा मेट्रोपोलिस सोसाइटी में एक फ्लैट पर किराए पर रहते थे। इस दौरान जब घटना घटित हुई, तब आनन फानन में किसी तरह उनके बेटे ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। इस दौरान सीओ पंतनगर तपेश चंद्र का कहना है कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं मृतका के हाथ में पेन से लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसका पति और ससुराल वाले हैं। वहीं घटना में जो भी सबूत सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर होली मनाने ट्रांजिट कैंप गए ड्राइवर की मौत होने से परिजनों में मातम छा गया है। आपको बता दें कि मृतक का नाम हरीश पाल है, जिसकी उम्र 36 साल है और वो बरेली का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक वो बीते दिनों अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रामपुरा स्थित ससुराल आया हुआ था। बुधवार सुबह वो दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए ट्रांजिट कैंप शिवनगर गया, जहां उसकी हालत बिगड़ गई। उसके सीने में दर्द की शिकायत होने पर उसके साथी उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान घटना की सूचना पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। साथ ही घटना की सूचना मृतक के परिजनों को भी दे दी गई है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और शव को परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही मामले में ट्रांजिट कैंप के थाना अध्यक्ष सुंदरम शर्मा ने बताया कि पहली नजर से मामला हार्ट अटैक से मौत का बताया जा रहा है। बहरहाल मौत के सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही सामने आ पाएंगे।